नमस्कार दोस्तों। दोस्तों दो भाइयों के लिए एक शानदार घर का नक्शा, चलते हैं देखते हैं भाई इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। और अगर हम इस बिल्टअप एरिया की जमीन की लंबाई की बात चौड़ाई की बात करें तो 38 फीट बाय 51 फीट जो कि आपका हो गया 1581 स्क्वायर फीट। दो भाई, तो आप दो भाइयों के लिए जो नक्शा जो है सेपरेट अलग अलग होना चाहिए और सबको बराबर इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 38 बाय 51 की ही बात कर रहे हैं, तो किस भाई कितना मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर है ये, ठीक है। यहाँ पे पोर्च मिल जाता है 11 फीट बाय 5 इंच, 11 फीट 6 इंच, ठीक है। यहाँ सीढ़ी मिल गया है 8 फीट 4 इंची बाय 7 फीट 3 इंची का। और यहाँ हम पहले पहला भाई में चलते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा फोटो को नक्शा छोटा कर देते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पहला भाई में चले तो यहाँ आ जाएगा ड्राइंग रूम 12 फीट बाय 12 फीट 2 इंची का, खिड़की इधर खिड़की इधर। यहाँ पे कॉमन बाथरूम आ जाएगा 8 फीट बाय 4 फीट 8 इंची का, 3 फीट 6 इंची का जो है गैलरी है। तो फिर यहाँ पे आ जाए किचन 8 फीट 1 इंच बाय 7 फीट का, इसका वेंटिलेशन इधर खिड़की इधर। यहाँ पे डाइनिंग रूम आ जाएगा 8 फीट 2 इंच बाय 14 फीट 2 इंची का। यहाँ एक बेडरूम आ जाएगा 9 फीट 1 इंच बाय 11 फीट का। और यहाँ पीछे में एक और बेडरूम आ जाएगा जो कि आपका 13 फीट बाय 13 फीट का। पहला भाई का ये मिल गया। दूसरा भाई में जाएंगे, ड्राइंग रूम आ जाएगा 11 फीट 5 इंच बाय 13 फीट 6 इंची का। और फिर आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ मेरा आ जाएगा एक बेडरूम 12 फीट बाय 13 फीट 6 इंची का। फिर यहाँ एक कॉमन बाथरूम आ जाएगा 8 फीट 9 इंची बाय 5 फीट 3 इंची का। फिर यहाँ पे किचन आ जाएगा 8 फीट 6 इंची की खिड़की इधर। यहाँ डाइनिंग आ जाएगा 10 फीट बाय 14 फीट 2 इंची का। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है, अब दोनों के सलाह मशवरा से ये वाला रूम आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक रूम एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा है 12 फीट 3 इंच बाय 13 फीट का, खिड़की इधर खिड़की इधर। यहाँ 10 फीट 5 इंच बाय 13 फीट का। अगर ये अगर नहीं माना जाए तो इसमें आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। मतलब एक भाई को मिला 2 BHK, एक भाई को मिला 3 BHK, बेडरूम हॉल और किचन, 3 बेडरूम हॉल और किचन। तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो हम कुछ चीज मेंशन कर देते हैं तो सही रहेगा। और उससे पहले कितना कॉलम देने से बन जाएगा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 कॉलम देने से ये घर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं 21 कॉलम, ये तो ठीक है। अब तो है 38 फीट × 51 फीट है, ये कितना हो गया दोस्तों 1581 स्क्वायर फीट जो कि हो गया आपका। एक है 2 BHK, एक है 3 BHK, क्लियर यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसको भाड़ा पे लगाने के लिए भी बना सकते हैं, भाड़ा पर दे दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बचे। तो जब जब सिविल इंजीनियर पकमर को नया वीडियो अपने लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।